चिरकुंडा बगानधौडा गांधी आश्रम के समीप भाजपा जिला उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह और कर्मठ जुझारू भाजपायों के द्वारा दीप और लड्डू का वितरण किया गया। साथ ही साथ जय श्री राम के नारे लगाते रहे। इस पर आचार्य मधुसूदन पंडित जी ने कहा, आज प्रभु श्री राम अमृत उत्सव हम लोग जो है कल उनके गृह प्रवेश होने वाले हैं, इसके उपलक्ष्य में बहुत अमृतमय और आनंदमय उत्साहपूर्ण जो है आज भगवान राम के आगमन के लेकर के उत्सव हम लोग मना रहे हैं। और कल जो है दीपक जलाएंगे, घर घर में ज्योत जलाएंगे श्री राम दीपक, और जला करके खुशियां अपने आप में बांटेंगे कि प्रभु की घर घर में कृपा बरसे। इसलिए हम लोग बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्न है कि आज उनके जो है कल उनके घर में प्रवेश करेंगे प्रभु। इसलिए हम लोग बहुत आनंदमय है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पूरा देश तैयार है, पूरा देश भगवामय है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी को कल घर मिल रहा है, गृह प्रवेश हो रहा है, और भारत अमृत महोत्सव की ओर है। और अमृत महोत्सव कालखंड में ये मंगलमय का बेला है, और इस मंगलमय के बेला में इस मजदूर की बस्ती में सभी मजदूर लोग जो भगवान विश्वकर्मा के स्वरूप हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग, हम सभी प्रभु श्री राम की चर्चा कर रहे हैं। राजा पुत्र, राजा दशरथ पुत्र, अयोध्यापति राजा, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जय जयकारा हो रहा है कि आइए कल श्री राम ज्योति दीपक जलाइए और पूरा देश का मंगलमय हो, पूरी दुनिया का मंगलमय हो, और जो भी पृथ्वी पर निवास करते हैं उन सभी का मंगलमय। देखिए अपने घर में लोग श्री राम ज्योति दीपक जलाएंगे, और श्री राम ज्योति दीपक आप देखे होंगे शहर से लेके गांव तक, गांव से लेके शहर तक, कौन ऐसा कस्बा है जहां हर मठ मंदिर को सजाया गया है, साफ किया गया है, लाइट का व्यवस्था किया गया है, ज्योति जलाई जा रही है। यह क्या है, यह उत्सव का बेला है, यह मंगल का बेला है, और इस मंगल बेला में भारत अमृत महोत्सव का कालखंड में है। और प्रधानमंत्री जी का अपील है कि अब यही दिवाली है, यही होली है, यही दशहरा है, यही रामनवमी है, इसलिए पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लोगों को जिसने इस कार्य में हाथ बटाया है उन सभी को हम लोग के तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।